बराक हिंदी साहित्य समिति के कार्यकर्ताओं के उद्योग से बराकघाट के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित प्रदान कर सम्मानना दिया गया। दिनेश प्रसाद ग्वाला स्मृति पुरस्कार प्रदान समारोह में इस दिन प्रमुख अतिथि के रूप में असम विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय डॉक्टर राजीव मोहन पंत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कछार के जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा, पुलिस अधीक्षक नोमल महातो तथा दूसरे वरिष्ठ व्यक्तियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। इस कार्यक्रम में बराक हिंदी साहित्य समिति के सभापति परमेश्वर लाल कामरा, संपादक दुर्गेश कुर्मी तथा दूसरे कई हस्तियों की मौजूदगी में कीर्तिमान छात्र छात्राओं को इस दिन दिनेश प्रसाद ग्वाला स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बराक घाटी में कीर्तिमान छात्र छात्राओं की सम्मानना के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से बराक हिंदी साहित्य समिति अहम भूमिका निभाता रहा है। दिनेश प्रसाद ग्वाला विद्यार्थी सम्मान समारोह मनाते हैं और इस दिन का उत्सव, जैसा कि आज आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी संख्या में विद्यार्थी और विद्यार्थियों के जो गार्जियंस है वो सब पढ़ाते हैं। हम लोग ये कार्य बहुत ही अच्छे से करते हैं और हम लोग इसको काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं। इसमें हमारे पूर्व MLA श्री राजदीप ग्वाला जी का सबसे बड़ा आर्थिक सहयोग रहता है और दूसरा एक हिंदी में मेधावी छात्रों को भी हम लोग एक पुरस्कृत करते हैं। इसमें हमारे अमरनाथ जी खंडेलवाल का सहयोग हमेशा रहता है। ये कार्य हम लोग इसी तरह से आगे करते रहेंगे और इन लोगों का सहयोग हमें मिलता रहेगा। आज की इस श्रृंखला में हमारे उपाध्यक्ष पावनारायण कानू आप लोगों को विस्तृत मान्यवर उदय शंकर गोस्वामी जी, मान्यवर अमरनाथ खंडेलवाल जी, मान्यवर हमारे MP महावीर प्रसाद जैन जी और आज के इस जो कार्यक्रम है पूरा कार्यक्रम के लिए जिन्होंने सहयोग का हाथ बढ़ाया है हमारे मान्यवर राजदीप ग्वाला जी करतारी होनी चाहिए। प्रदान समारोह में आप सभी का समिति की तरह से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपको सूचित करना चाहता हूँ कि बराक हिंदी साहित्य समिति द्वारा सन 2014 से ही बराक घाटी के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने का शुभ काम प्रारंभ हुआ। 2014 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण कुल 47 विद्यार्थियों को हिंदी भवन में संत तुलसीदास जयंती समारोह के अवसर पर सम्मानित किया गया। सन 2015 में समिति के वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर 54 विद्यार्थियों को, जिसमें राज्य के स्तर पर स्थान प्राप्त और NIT के एक विद्यार्थी सहित 54 विद्यार्थियों को दिनेश प्रसाद द्वारा स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तब से प्रति वर्ष स्वर्गीय दिनेश प्रसाद द्वारा जी के सुयोग्य पुत्र लखीपुर के पूर्व विधायक और ATCL के चेयरमैन माननीय राजदीप द्वारा और उनके परिवार के सहयोग से अब तक अभिनंदन समारोह का आयोजन होता आ रहा है। 2016 में समिति की तरफ से 122 विद्यार्थियों को, 2017 में 142 विद्यार्थियों को दिनेश प्रसाद द्वारा स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें 3 विद्यार्थियों को दीपचंद स्मृति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 2018 में 124 विद्यार्थियों को, जिसमें PhD स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। दीपचंद शर्मा, उनके